बड़वा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान डीआईजी हेमराज गुप्ता और अधिकारियों सहित बल सदस्यों ने देश के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए मातृभूमि के लिए शहीद हुए 292 वीर जाबाज सैनिकों को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। डीआईजी हेमराज गुप्ता ने कहा कि 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस सभी केंद्रीय एवं राज्य पुलिस बलों के द्वारा उन शहीदों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और इस देश के उज्ज्वल भविष्य को संवारने के लिए मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। आज ही के दिन सन 1959 में सीआरपीएफ के 10 बहादुर जवानों ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग नामक स्थान पर चीनी आक्रमणकारियों द्वारा लगाए गए अंबुश में देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। हमें शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से करते हुए देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। शहीदों के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 21 अक्टूबर का दिन हम लोग, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के सदस्य हैं या राज्य पुलिस बलों के सदस्य हैं, सब पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसका कारण है 1959 में आज ही के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्य चीनी आक्रमणकारियों का सामना करते हुए शहीद हुए थे। इस साल 292 बल सदस्य केंद्रीय सुरक्षा बलों के एवं राज्य पुलिस बलों के मिला के 292 बल सदस्यों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य करते हुए कर्तव्य के निर्वहन के दौरान शहीद हुए हैं।